मैंने लगा शाम को साथ मिलती है ऐसे लड़का आपका। अरे गाड़ी भाड़ा किए बोले जी को पटना जाना है, पटना हमारा लड़का गाड़ी लेकर आया, यहाँ पर झगड़ा झमेट किया हुआ, वो लोग नौकरी के लिए पैसा दिए थे जो केस हुआ। 20 जुलाई को पत्रकार नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि मांझी पार्क के पास एक अपहरण की घटना घटित हुई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के द्वारा सभी गश्ती को और 112 की टीम को अलर्ट किया गया और पूर्व से निर्धारित थाना के सीलिंग पॉइंट्स पर जो है वहाँ चेकिंग शुरू की गई। सर आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ अजय शर्मा। राजधानी में लगातार अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं और ताज़ा मामला पत्रकार नगर थाना का है, जहां पर कि पैसे के लेन देन को लेकर के संजय कुमार राम को 8 व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया है। आपको बताते चलें, नौकरी के नाम पर संजय राम लाखों रुपए की उगाही करता था और ठगी का शिकार लोगों को बनाता था। जब अपने पैसे की डिमांड संजय राम से युवकों ने की तो संजय राम ने मांझी पार्क के पास उन युवकों को बुलाया कि पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ, और सोची समझी साजिश के तहत संजय राम ने उन 8 युवकों को अपने ही अपहरण का षड्यंत्र बुन दिया और षड्यंत्र बुनने के बाद अपने ही अपहरण का कांड रचते हुए 8 युवकों को जेल के पीछे ढकेल दिया है। जब इसकी सूचना पत्रकार नगर थाना को मिलती है तो पत्रकार नगर थाना मांझी पार्क के पास से उन अपहरत युवकों के साथ साथ संजय राम को भी बरामद कर लेती है सकुशल, और 20 मिनट के अंदर ही पटना पुलिस ने उन 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं जो पीड़ित हैं उनके परिवार, यह भी जरा सुने। क्या सूचना मिला पुलिस से आपको? पुलिस सूचना मिला शाम को साथ मिलती है। क्या किया था आपका बेटा? कितना पैसा है? 7 लाख। क्या नाम है आपका बेटे का? किस चीज के लिए पैसा दिए थे? झारखंड पुलिस के लिए। नौकरी लगाने के नाम पे पैसा दिया जाए? कौन लिया था? संजय राम। आप लोग को पता था कि नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लिया है? हमारे गाड़ी भाड़ा किए बोले जी को पटना जाना है, पटना हमारा लड़का गाड़ी लेकर आया, यहाँ पर झगड़ा झमेट किया हुआ, वो लोग नौकरी के लिए पैसा दिए थे जो केस हुआ है। किसको नौकरी के लिए पैसा दिया? जितेंद्र दिए थे। किसको? संजय राम। नौकरी के लिए थी वन विभाग में कराने के। कितना पैसा दिया गया था? लमसम 6 लाख रुपये। दिनांक 20 जुलाई को पत्रकार नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि मांझी पार्क के पास एक अपहरण की घटना घटित हुई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के द्वारा सभी गश्ती को और 112 की टीम को अलर्ट किया गया और पूर्व से निर्धारित थाना के सीलिंग पॉइंट्स पर जो है वहाँ चेकिंग शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप महज 15 से 20 मिनट के अंदर ही अपहृत संजय कुमार को बरामद किया गया और इसमें शामिल 8 अभियुक्तों को 2 गाड़ियों के साथ जो है हिरासत में लिया गया। संजय कुमार के द्वारा बताया गया कि उनका और अभियुक्तों का पूर्व से पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था और अभियुक्तों ने उन्हें मांझी पार्क के पास एक साजिश के तहत पैसा सेटल करने के लिए बुलाया और उसी में जो है उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाया जा रहा था। इसमें अपहृत संजय कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है और सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संजय राम ने दर्जनों लोगों से वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है और ठगी का शिकार बनाने के बाद जब वन विभाग में नौकरी नहीं लगती है तो युवक अपनी पैसे का डिमांड करते हैं। काफ़ी नकड़ नुकुड़ करने के बाद संजय राम एग्री होता है पैसे देने के लिए और जाल बांध करके इनको युवकों को अपने ही अपहरण के साजिश में फंसा डालता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझा पाती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।